आरसीबी की लगातार तीसरी हार, गुजरात जायंट्स का खुला खाता। दोस्तों क्रिकेट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। आरसीबी की टीम जवाब में 20 ओवर में 6 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। गुजरात ने इस जीत के साथ ही अंक तालिका में अपना खाता खोल दिया और इसके 3 मैचों में 2 अंक हो गए और गुजरात का नेट रन रेट 2.327 है। आरसीबी की टीम का खाता नहीं खुला है और वह सबसे नीचे 5वें नंबर पर है। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के 4-4 अंक है। मुंबई बेहतर रन रेट के साथ पहले स्थान पर है। और दोस्तों बता दें कि गुजरात की कप्तान सिन्हा राणा का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित हुआ और ओपनिंग करने आई सब नैनिन मेघना और सोफिया डांकली ने 22 रनों की साझेदारी की। मेघना 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उनके बाद बल्लेबाजी करने आई हरलिन देवाल ने डंकली का साथ निभाया और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 30 गेंद पर 60 रन की साझेदारी की। डंकली 28 गेंद पर 65 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों बता दें कि महिला प्रीमियर लीग का सबसे तेज अर्धशतक है। डंकली के आउट होने के बाद हरलिन देवाल ने एसले गार्डनर के साथ 36 गेंद पर 53 रन जोड़े। गार्डनर 19 रन बनाकर आउट हुई। इसी बीच हरलिन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी छोर पर दयालन हेमलता 16 रन और एनाबेल सदरलैंड 14 रन ने उपयोगी योगदान दिए। हरलिन 45 गेंद पर 67 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान सिन्हा राणा ने 2 रन बनाए। सुषमा वर्मा 5 और किम गर्थ 3 रन बनाकर नाबाद रही। आरसीबी के लिए श्रेयंका पाटिल और हीतर नाइट ने 2-2 विकेट लिए। मेगन सूट और रेणुका सिंह को 1-1 सफलता मिली। और दोस्तों बता दें कि स्टार खिलाड़ियों से भरी आरसीबी की टीम एक बार फिर से फेल हो गई। सोफी डिवाइन ने 66 रन की पारी खेली। एलिस पेरी ने 32 और कप्तान समृति मंधना 18 रन बनाए और दोनों ने अच्छी शुरुआत की लेकिन उससे बड़ी पारी में नहीं बदल पाई। हीथर नाइट ने अंत में तेज पारी खेली लेकिन जीत के लिए काफ़ी नहीं थी। उन्होंने 11 गेंद पर नाबाद 30 रन बनाए। ऋचा घोष और कानिका आहूजा 10-10 रन बनाकर आउट हुई। श्रेयंका पाटिल ने नाबाद 11 रन बनाए। पूनम खेमकर 2 रन ही बना पाई। गुजरात के लिए एसले गार्डनर ने एक बार गेंदबाजी में कमाल किया और 3 विकेट हासिल किए। एनाबेल सदरलैंड को 2 सफलता मिली। मानसी जोशी ने भी 1 विकेट लिए। और दोस्तों बता दें कि सोफिया डाकले को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। फिर उसने बताई वहां जाकर जीत हासिल करने का खुशी हुई लेकिन आज लड़कियों पर बहुत गर्व है। मैं सिर्फ गेंद को जोर से हिट करने की कोशिश करता हूं, सही जगहों पर हिट करता हूं और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करता हूं। आज का मैच काफ़ी करीबी था लेकिन शीर्ष पर आकर खुशी हुई।